कितना टेस्टी क्रिस्पी बनकर अंडा बॉल रेडी हो गया है। हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज का रेसिपी हम बनाएंगे बॉल एक बनाने के बॉल लिए 5 अंडा ले लिए हैं। गैस पे पानी चढ़ा दिए हैं। अंडा को डालते हैं उबलने के लिए। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। ढक के अंडा उबाल लेते हैं। अंडा बॉयल हो गया है तो हम छिलका निकाल लेते हैं। सभी अंडे का छिलका निकाल लिए हैं। इस तरीके से अंडे को हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम अंडे को कट कर लेते हैं। सभी अंडे को हम कट कर लिए हैं। इस तरीके से बॉल में रखते हैं। नीचे तक पीला वाला भी डाल देते हैं। इसमें 2 चम्मच बेसन डालते हैं। बाइंडिंग के लिए हम बेसन 2 चम्मच डाल दिए हैं। कटा हुआ प्याज डालते हैं। बारीक बारीक प्याज काट लिए थे। 2 हरी मिर्च काट लिए हैं, ये भी डालते हैं। हरा धनिया डालते हैं। थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम, काली मिर्च डालते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। आधा चम्मच नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। सभी को मिला लेते हैं। हाथ से मिला लेते हैं अच्छे से। इस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म हो गया, तेल डालते हैं। अंडा को हम छोटा छोटा बॉल बना लेते हैं इस तरीके से। कितना आसानी से हाथ से बॉल बन रहा है। इसी तरीके से हम सभी बॉल बना लेते हैं। अंडा बॉल फ्राई हो गया है तो निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए कितना बढ़िया बना क्रिस्पी। इसी तरीके से सभी बॉल को हम फ्राई कर लेते हैं। अंडा बॉल सभी फ्राई हो गया है, सभी को निकाल लेते हैं प्लेट में। गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं तो उसमें 1 चम्मच तेल डालते हैं। कटा हुआ प्याज डालते हैं। शिमला मिर्च डालते हैं। थोड़ा सा प्याज शिमला मिर्च भुना गया है जिसमें हम सॉस डालते हैं। सोया सॉस डालते हैं आधा चम्मच। इसमें हम अंडा बॉल डाल देते हैं। आप इस तरीके से भी खा सकते हैं बिना सॉस में डाले हुए। इसमें हम डाल देते हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं। देखिए अंडा बॉल कितना टेस्टी क्रिस्पी बनकर अंडा बॉल रेडी हो गया है।